अग्निशेष नाटक विनाश और मृत्यु के तांडव के बीच जीवन की आकांक्षा है। युद्ध में गांव के गांव, परिवार के परिवार समाप्त हो जाते हैं। अकेलेपन के सन्नाटे में लोग विक्षिप्त हो जाते हैं, लेकिन जीने की अदम्य चाह लोगों को पुनः जोड़ती है। राख के ढेर में से जीवन का स्फुरण, खंडर में से धीरे धीरे एक दीवार का उठना, टूटे हारे बिखरे और अकेले पड़ गए लोग पुनः जीवन का आविष्कार करते हैं। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग चलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग चलनी चाहिए।
एक आदमी। अरे तानिया। हाँ बाबा। इधर तो आ, देख तो, देख तो, कोई कोई आदमी चला रहा है इस तरफ। ये सैनिक हुआ तो तानिया। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं होता। एक चीज बची रहती है। आदमी उसी को ही खोजता है, पहाड़ों में, मैदानों में, बसी बस्तियों में, बस उसे ही खोजता रहता है। एक संदेश देना है, अपील करना है। यदि आपके शहर से नंबर मिला सके तो। नंबर गड़बड़ा गया हूं मैं, गड़बड़ा गया। ज्यादा सोचो मत, ये देखो शायद बाबा भी यही चाहते थे।
जहां सूरज की लालिमा शांति और प्रेम बिखेरती हो, जहां आतंक और अशांति ना हो, जहां वसंत की हत्या न हो, दूर दूर तक गेहूं की लहरें हो, वहां जहां आदमी आदमी का दुश्मन नहीं दोस्त हो, दोस्त चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो। आओ हम वहां चले जहां बंदूक और बमों का धुआं न हो, प्रेम का प्रकाश हो। आओ आओ हम वहां चले। हम शांति की ज्योत को जगाए, जहां अभी भी कुछ अग्नि शेष है। झुका रहेगा धरती पर आकाश, आंख मिचोली खेलेंगे नक्षत्र, शत सहस्त्र नदियों का संगम लाभ, जिजी विषा के उच्च सृष्टि के मूल, कौन मदन तुमको कर सकता है नष्ट, कौन मदन तुमको कर सकता है नष्ट, कौन मदन तुमको कर सकता है नष्ट।